श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम चिंता करते हैं तो हमको समय की कमी नहीं होती कि टाइम ही नहीं मिला चिंता करने के लिए। वहाँ तो नॉन स्टॉप 24/7 चिंता चलती है। लड़के का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा, उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई पाबंदी नहीं। और हम जिसके बारे में चिंता करते हैं उसको हमने ही महत्व दिया है। देखो, तो जब हमने ही महत्व दिया है किसी वस्तु को और फिर उसके बारे में चिंता करते हैं तो यही सिद्धांत चिंतन में लगा दें। तो जिसको हमने महत्व दिया है उसी का चिंतन कर सकते हैं। तो यदि हमने महत्व दिया है स्वास्थ्य को तो जितने भी जीवन के अंग हो गए, फिर चाहे खाना पीना हो, सोशल सर्कल हो, अपनी आदतें हो, या शास्त्र का अध्ययन हो, या आध्यात्मिक जीवन हो, इन सब का निचोड़ इसी में जाएगा कि इसके कारण हमारा स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि हमने स्वास्थ्य को महत्व दिया है, शारीरिक स्वास्थ्य को। तो इस प्रकार से जिसको हमने महत्व दिया है उसी के बारे में हम चिंता कर सकते हैं और उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं। तो कल हमने देखा चिंता और चिंतन का तात्पर्य। चिंता वह है जो हमको अपने से दूर ले जाती है और चिंतन वह है जो हमको अपने पास ले आता है। देखो, एक हमारे मित्र थे, पूरे जीवन भर अभी नहीं रहे, वो बूढ़े थे, शर्मा जी उनका नाम था। बहुत बढ़िया भजन कीर्तन गाते थे। कोई भी स्थान हो और वहाँ शर्मा जी जब तक नहीं पहुँचेंगे वो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था, ऐसा उनका उस समाज में, ये आसाम की बात है, ऐसा उनका स्थान था। और इकलौती एक उनकी लड़की, तो बूढ़े जब हो गए तो अपने लड़की के पास रहते थे। तो हमको पता चला, हम गए मिलने, हमको गुरुजी कहते थे, गुरुजी क्या है, कैसे हैं, तबीयत ठीक नहीं आपके। तो उन्होंने कहा अपने लड़की को तुम चली जाओ, बाद में आना, और फिर मेरे से बात करने लग गए। सोफा सेट में बैठे और रोना धोना शुरू, बाप रे मेरी लुंगी खराब होने वाली है। थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मैंने गुरुजी क्या हो गया, बोले कुछ भी कहो मुझे गुरुजी मत कहना। ठीक है, नहीं कहता बाबा जी, शर्मा जी कहता हूँ, रोना मत। लेकिन बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ, सभी लोग मुझे इस समाज में बड़े धर्मात्मा कहते हैं, शर्मा जी बड़े धर्मात्मा है, बड़े भगवान के भगत है, कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हो उनके सिवा नहीं होता, और ये सब मुझे चुभता है, काटता है, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। देखो महाराज, क्यों आप तो इतना भजन गाते हैं? बोले कुछ नहीं, भजन भुजन, अंदर में पूछो तो खोखले हूं मैं अभी भी। काम क्रोध लोभ मोह मद माचर्य घृणा ईर्ष्या, ये सब का सब अभी पस के जैसा भरा हुआ है। आप मुझे बचाइए, मैं क्या करूं? देखो महाराज, इसीलिए जो वस्तु हमको अपने से दूर ले जाती है वह चिंता है, और जो हमको अपने पास ले आती है वह चिंतन है। जो हमको अपने से दूर ले जाती है, अपने से दूर जाना माने दुखी होना, और अपने पास पहुंचना माने मस्त रहना। गहरी नींद में हम कहाँ जाते हैं?
कहीं नहीं। गहरी नींद में हम क्या होते हैं? कुछ नहीं। और गहरी नींद में हमको आनंद की पराकाष्ठा होती है। देखो संतो, जब यह चिंतन सूक्ष्मता से चलते रहता है तो व्यक्ति के जीवन में अपने आप चिंतन की धारा प्रारंभ होती है। और चिंतन की धारा यही है कि हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने लग जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई हो और फिर भी उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं हो कि कौन सा खाना उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तो वो आदमी थोड़ी है, पैजामा है। देखो, 40 साल के बाद भी पता ना चले कि अपने लिए स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, वो ये खाना है। और फिर भी हम उम्र में बड़े हो जाते हैं और हमेशा पेट बिगड़ा रहता है। पेट बिगड़ने का कारण खाने पर नियंत्रण नहीं है। देखो, इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार के उपवास पूजा पोथी करते हैं, वो करके हम अपने से दूर जा रहे हैं कि नज़दीक आ रहे हैं, इधर कहाँ ध्यान है। ये नापदंड है, थंब रूल, कि हमको अपने पास वापस लौट के आना है। जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे मन में विक्षेप आते हैं। तो किसके मन में विक्षेप आते हैं? हमारे माने हम है कौन? देखो, तो हमारे मन में विक्षेप आते हैं जब हम पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं, भाई बनते हैं और बहन बनते हैं, गुरु बनते हैं, शिष्य बनते हैं। जहाँ हम कुछ बने उसके बाद विचारों का वल्केनो इरप्ट होने लग जाता है। इस समझ को कहते हैं चिंतन का प्रारंभ। देखो, हमने पूरे लाइफ पे कभी भी योगासन इत्यादि किए नहीं, कभी नहीं किए, क्योंकि हमारे दिमाग में यही विचार चलता है कि जब हम योगासन इत्यादि करते हैं तो देहात्म भाव दृढ़ होता है। देखो, उसी में लगे रहते हैं कि हम एक आसन में एक घंटे भर बैठ सकते हैं। सो व्हाट, कब तक बैठे रहोगे? स्वास्थ्य ठीक है, सो व्हाट, कब तक ठीक रहोगे? देखो, केवल स्वास्थ्य और शरीर का ठीक होना ये हो तो ठीक है, लेकिन जीवन का वही लक्ष्य नहीं बन सकता। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। और इसीलिए भगवान हमको अनेक प्रकार के रोग देते हैं। रोग देने के कारण अपने देह के प्रति जो अट्रैक्शन है वो अपने आप कम हो जाता है। देखो, अब इसमें नहीं रहना, बहुत गंदगी है थी? इस प्रकार से जब हम चिंतन में लग जाते हैं तो पता चलता है कि जब जब हम कुछ बने हैं तब तक के विचारों का तूफान चलता रहेगा और दुखी रहेंगे। हम में जो हम हैं और जो हम समझते हैं हम हैं, इन दोनों में केवल विचारों का ही पर्दा है। इन विचारों के पर्दे को हटाना यही साधना है। देखो, जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो स्थूल देह के संदर्भ से ही विचार आएंगे। गहरी नींद में जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता तो जगत के कोई भी विचार नहीं आते। तो अब चिंतन ये हो गया, अब साधना करनी है। तो क्या साधना होगी? साधना वो होगी जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि का निराकरण होगा, वह साधना है। जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि का दृढ़ीकरण होगा वह संसार है। देखो, हम चिंतन बता रहे हैं आपको, और चिंतन ऐसा होता है कि उसके द्वारा जो परिवर्तन जीवन में आता है वो इतना सूक्ष्म होता है जैसे अपने